हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का वीडियो है क्योंकि मैंने जितना वीडियो होना चाहिए था उतना करके फिर उसको वहीं पर एंड कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलिए आगे वीडियो को आज कर देते हैं ऐड व्लॉग में। तो यहाँ पर जो है हरी मिर्च रखी हुई थी, उनको मैं उनके जो ऊपर की डंठली होती है ना वो तोड़ के स्टोर करके रख रही थी। काफ़ी दिन तक फ्रेश सी रहती हैं, तो मैंने इसमें सारी ही हरी मिर्च की डंठली तोड़ कर सुखा के बिल्कुल उनको इसमें एयरटाइट कंटेनर में मैं करके रख दूँगी। और अभी बना रही हूँ इनके लिए रोटी, तोरी की सब्जी इनके लिए बना दी है। और फिर पहले इनको मैं खाना दे के ये खा लेंगे, फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी किचन को साफ़ करके। पॉसिबल हो पाता है जब तक मैं जो हूँ घी में बनाती हूँ, तेल का नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर इनको रोटी दे दी है बना के, और अपने लिए बना रही हूँ मैं आलू यहाँ पे। तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, मूंगफली डाल दी है और हरी मिर्च डाल दी है, और ये मैंने आलू रखे हुए थे उबाल के वो भी इसमें डाल दिए। तो मैंने ना इसमें घी ही डाला था, जैसे आलू हैं तो आलू घी में बन सकते हैं, रोटी बनानी है या पराठे बनाने हैं वो सब चीज़ें जो है वो घी में बन सकती हैं। तो बस ऊपर से सेंधा नमक डाल दिया, और अभी इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए मतलब गैस को जो है वो लो करके इसको पकाऊंगी, ताकि थोड़ा सा ना ये करारे करारे से हो जाए। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया। जो भी चीज़ें किचन में इधर उधर रखी हुई हैं वो भी मैं रख दूंगी ऊपर। और वैसे तो मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मैंने इनको खाना दे के ना फिर किचन को अच्छे से साफ़ किया था। और अभी ना गैस पे मैंने दूध रखा है, ये थोड़ा सा ना दिन का दूध था, तो मैंने सोचा चलो इसके सामक के चावल की खीर बना देती हूँ। भी दो कटोरी खीर इसमें आराम से बन जाएगी, मैं खा लूँगी और ये खा लेंगे। आलू मेरे बन गए हैं तो उसको मैंने डाल दिया, क्योंकि जो भी बर्तन हो रहे हैं ना मैं सारे साफ़ करके तभी आराम से खाना खाने के लिए बैठूँ। मतलब जो ये आलू हैं व्रत वाले वो खाऊँगी। एक गिलास मट्ठा ले लिया है और आलू हो गए हैं, और यहाँ पर ना मेरा जो दूध था उसमें भी बॉयल आ गया है। चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो ये सामक के चावलों की जो खीर होती है वो बहुत जल्दी ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप लोग देख सकते हैं हम बाहर बैठे थे तो चंचल भी आके ना सोफे पे बैठ गई और टीवी देख रही है बड़े ध्यान से। मतलब इसको पता है कि क्या हो रहा है सीरियल में, बिल्कुल हमारी तरीके से टीवी देखती है, सोफे पे बैठ के आराम से देख रही है। तो हमारी खीर भी बन करके तैयार हो गई है। इस पर मलाई आ गई थी ऊपर, मैंने उसको साइड में कर दिया क्योंकि मलाई ये भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और मैं भी कम ही खाती हूँ। तो बस दोनों की डाल लेते हैं एक एक कटोरी में खीर। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। अभी जो है जो भी कपड़े मैं पीछे डाले थे ना वो भी सूख गए हैं, तो खाना पीना तो हो गया। मैंने सोचा चलो इन कपड़ों को भी ना तह लगा करके रख देती हूँ, साथ के साथ में ही, बाद के लिए फैला करके नहीं रखते हैं, क्योंकि सुबह में मुझे जाना है घर, जल्दी ही निकलेंगे सुबह में, तो उससे पहले ही अपना सारा काम ही ख़त्म करके चलेंगे। तो ये सारे कपड़े जो भी हैं उनको तह लगा के जहाँ जहाँ पर रखना है वहाँ वहाँ पर इनको मैं लगा दूँगी। सारा काम फिनिश हो गया है, और आज मैंने बहुत टाइम बाद सुबह से वीडियो स्टार्ट किया। अभी जा रही हूँ मैं कपड़े चेंज करने के लिए, और थोड़ा सा फेस वॉश करूँगी, ये कानों के उमर झूमर निकालूँगी क्योंकि पहन करके नहीं नींद आएगी। तो और ये अभी पढ़ाई करेंगे, मैं करूँगी एडिटिंग,
तो दोनों के दोनों अपना अपना काम करेंगे। एडिटिंग मैंने सोचा हमारे वकील साहब करेंगे, पढ़ाई ये पढ़ेंगे। कम से कम किस टाइम तक पढ़ोगे सच्ची सच्ची बताइयो। मैं एक तो बजी जाता है डेली, तो इतना तो ये पढ़ ही लेते हैं। तो ये करेंगे पढ़ाई और हम करेंगे एडिटिंग। जो आप लोग बोल रहे थे ना कि रश्मि ने कौन सा सूट दिया है, तो यही है वो सूट जो रश्मि मेरे लिए लेकर के आई थी। मैंने इसको सिलना दे दिया था और मैंने आपको बोला भी था कि इस सूट को ना मैं पहन करके जाऊंगी घर, तो ये सिल के आ गया था और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खिल करके भी आ रहा था। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है और अच्छे से तो फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी फेस को कवर कर लेते हैं, ये मेरे पास में ना सूती चुन्नी है, इससे अच्छे से फेस को कवर कर लूँगी क्योंकि रास्ते में धूल मिट्टी भी बहुत है और मेरे फेस पर बहुत जल्दी ही एलर्जी भी हो जाती है। ऐसे कहाँ से काटोगे फिर? हम अपने घर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं और बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। ये नहर वाला रास्ता है, नहर की पटड़ी पटड़ी जो है वो हम अपने घर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल भी भीड़ भड़ाका नहीं होता और ना ही ट्रैफिक होता है, बहुत आराम से बहुत सुकून के साथ में हम घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी मैं अपना घर दिखाती हूँ क्योंकि आज ना लेंटर डल रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पे पापा जी खड़े हुए थे, मैं उनसे पूछी थी पापा जी कैसे करा रहे हो, क्या हो रहा है, तो बस वही सारी चीज़ें कर रहे थे और होते हैं जो हमारे घर में बड़े होते हैं जब भी ऐसा काम करते तो उनको ना थोड़ी सी टेंशन भी होती है, चिंता भी होती है। तो वही सारी चीज़ें और आगे मतलब क्या क्या मकान में काम कराना है वही सब बात कर रहे थे। तो पापा दिखा रहे थे कि देख रसोई कितनी बड़ी बनवाई है इस बार, आराम से सारी चीज़ें बहुत आराम से इसमें आ जाएंगी। तो हाँ किचन काफ़ी बड़ी है और अभी तो फ़िलहाल मतलब लकड़ी वकड़ी का काम शायद नहीं कराएंगे, वरना इसको फिर पूरा ही जो वो होता है ना मॉड्यूलर किचन क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूरा लकड़ी वकड़ी का फ्रेम चढ़वा करके वो सारी चीज़ें कराएंगे। तो फ़िलहाल तो बन जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये यहाँ पे 2 कमरे हैं, बरामदा है, जीना है और वॉशरूम बनेगा ऊपर ही। अभी तो आप लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा पर हमारे लिए तो ये भी बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का दिन है आज का। काफ़ी खुश थे मम्मी पापा भाभी भैया सभी लोग बहुत खुश थे और ये खुश तो फिर मैं भी खुश, मेरे परिवार वाले खुश रहे तो मैं तो ऑटोमेटिक खुश रहती हूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर घर बनाने का मतलब जो लेंटर डलने का सामान है ना वो आ रहा है और घर में इतनी बुरी हालत, जिस टाइम पे मैं घर में घुसी मुझे तो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मुझे धूल मिट्टी से दिक्कत है, ये है वो है, जैसे ही मैं घर में घुसी मुझे सांस आना मुश्किल हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो इनको तो देखिए बहुत मेहनत लगती है, बड़ी हुई थी घर में क्योंकि ऊपर मसाला चढ़ाने के लिए ना। और यहाँ पर आज खाना भी बनेगा क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ लेंटर डलता है ना तो खाने पीने का सिस्टम होता है सब लोगों का, तो वही यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि क्या क्या बना था क्योंकि ये वाली वीडियोस ना मम्मी भाभी भैया ने सब लोगों ने मिलकर के ही बना लिया था, मैं तो थी भी नहीं उस टाइम पे। तो ये यहाँ पर मशीन लग गई है आकर के और आप लोग देख सकते हो बस ना नीचे 2 रूम बरामदे और ये किचन था। दिक्कत तो होती थी क्योंकि अगर कोई गेस्ट आ जाए मेहमान आ जाए तो बहुत परेशानी होती थी,
पर बस चल रहा था इन्हीं में सब में टाइम, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है घर बनाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। बहुत सारा पैसा चाहिए अपने पास में, तब आप घर बनाने का सोच सकते हो। और ये थोड़ी सी क्लिप व्हाट्सएप पे आई थी ना, तो आगे पीछे थोड़ी सी हो गई, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा या फिर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये मशीन को यहाँ पर भैया लोग सेट कर रहे हैं और क्या क्या तामझाम होते हैं समझ में भी नहीं आता। और ये तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद जो मेन टास्क हमारा स्टार्ट हुआ था सफाई का, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई थी। खाना तो क्या, पानी तक नहीं पिया जा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि गले में ना सीमेंट जा रहा है, सीमेंट सारा हो रहा था। दीवार वीवार सारी तोड़ दी है। ये वाला जो आप लोगों को रूम दिख रहा है वो भी टूट जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ एक लाइक मेरे घर के लिए, मेरा जो घर बन रहा है उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे भी उम्मीद है कि अगर मैं खुश हूँ तो मुझसे प्यार करने वाले भी सभी लोग खुश भी होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आप मेरे इमोशंस को समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश होंगी, मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि मतलब ये एक मेरा सपना था, ये मेरा सपना पूरा हो रहा है घर बनने का। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब इसको रहना थोड़े ना आए, रहेगी थोड़े ना, फिर भी इतना खुश हो रही है। समझेगी, हर एक लड़की समझेगी जो अपने माँ बाप से प्यार करती है, जो अपने परिवार से प्यार करती है, वो हर एक बात को ज़रूर समझेगी कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। यहाँ पर मैं और नानी हेल्प कर रही थी, वो बैठी थी और ये यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। दो दो कुकर में जो है वो आलू बॉईल होने के लिए रख दी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों का खाना पीना बनना है, जितने भी मिस्त्री लोग लगे हुए हैं उन्हीं सब का। और वैसे भी जैसे ताऊ जी हर हो गए, दूसरे जो मेरे भैया भाभी हैं बड़े वाले, मम्मी हैं, उन सभी लोगों का जो खाना है वो सबका एक साथ ही होगा। तो देखिए टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है खाना पीना बनाने में, और ये खाना कविता ही बना रही थी। तो सिंपल से आलू टमाटर पतले वाले जो बनते हैं ना वही, और गांव में तो बहुत पसंद करते हैं, और जो भी यूपी से हैं उनकी फेवरेट डिश है आलू टमाटर, उबले हुए आलू और टमाटर पतले से, मतलब बिल्कुल पतले पतले से, कैडी सब्जी नहीं खाते हैं। और यूपी वालों का फेवरेट खाना आलू टमाटर की सब्जी, बॉइल आलू टमाटर की सब्जी। तो गाइज अभी मैं इस वीडियो का ना एंड करने जा रही थी, और वीडियो तो है अभी और भी, पर मैंने सोचा आप लोगों से ना 2 मिनट मुझे इस वीडियो में बात करनी है, फिर मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। आप लोग बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इस तरीके के कि मायके वालों को बहुत वो करती है, बहुत मतलब हर वक्त इसके मायके वाले रहते हैं, कभी मम्मी कभी पापा कभी भाई कभी भाभी कभी नानी। तो कुछ लोग, अब आप ही बताइए क्या कुछ ये लोग गलत नहीं हैं जिन लोगों ने मेरी नानी के बारे में बोला है, या कोई भी किसी के माँ बाप के बारे में बोलता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, चलो ठीक है मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ, मुझे हर तरीके की बात सुननी पड़ेगी, मैं तैयार भी हूँ हर चीज़ को सुनने के लिए। पर आप लोग ये बताइए कि जो वो बोलते हैं गलत सलत बोलते हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? कौन सा ऐसा इंसान है दुनिया में जो अपने माँ बाप
और जो है जो नहीं करते हैं मेरी नज़रों में वो कहीं से भी अच्छा इंसान नहीं है, जो अपने माँ बापों की इज्जत नहीं करता है, जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता है, जो अपने माँ बाप की चिंता नहीं करता है, जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो। बात यहाँ पर आती है कि क्या एक लड़की को हक नहीं है अपने माँ बाप से प्यार करने का या अपने माँ बाप को खुश देखने का। मतलब मैं जब भी अपनी मम्मी हो चाहे पापा हो चाहे मेरे घर से कोई भी आता है तो क्यों लोगों को परेशानी होती है कि अपने सिर्फ अपने मायके वालों को करते, क्या मुझे हक नहीं है? क्या किसी भी लड़की को हक नहीं है कि वो अपने माँ बाप से प्यार करे? मैं बहुत खुश होती हूँ उनके घर में छोटी सी भी खुशी हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से। अब घर वहाँ पे बन रहा है, घर वो बन रहा है, रहेंगे भी वही लोग सब, मम्मी पापा भैया भाभी, मैं तो वहाँ रहने वाली भी नहीं हूँ, चली गई कभी कभी रह लिया, कभी कभी छुट्टी पड़ गई तब चली गई, हमेशा के लिए तो नहीं रहूँगी ना। हमेशा के लिए किन के पास रहूँगी? हमेशा के लिए तो मुझे मेरे ससुराल में रहना है, मुझे मेरे सास ससुर के पास में रहना है। और जो भी लोग मुझे इस तरीके के कमेंट करते हैं कि अकेली रहती अपने मायके वालों का करती है और अपने सास ससुर का नहीं करती है, तो उन लोगों की ना गलतफहमियां बहुत जल्दी ही जो है वो दूर हो जाएंगी। मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई है, शायद वो लोग वीडियो नहीं देखते हैं इस वजह से वो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। बात क्वेश्चन करने की नहीं है, बात माँ बाप की है। आप किसी की फैमिली मेम्बर के बारे में इस तरीके से बोलते हो, ये मुझे तब मुझे बोलना पड़ा जब मेरी नानी आई थी कि आजकल तो उसकी नानी भी आई हुई है। यार कुछ तो शर्म करो, थोड़ा तो सोचो अपनी बात को सही रखने के लिए या मुझे बुरा बोलने के लिए या मुझे गलत दिखाने के लिए आप लोग किस हद तक मतलब कि गिर रहे हो, अपने आप को गिरा रहे हो ना। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि कोई भी इंसान हो, गलत है या सही है, वो अपने आप से बेहतर अपने आप को मतलब अपने आप को अपने से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। मुझे पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ और मुझे किसी को सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे एक ही टॉपिक मेरे चैनल पर आया, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब मैं क्या अपने माँ बापों से बात करनी छोड़ दूँ कि लोगों को पसंद नहीं है? क्या मैं अपने घर जाना छोड़ दूँ कि लोगों को पसंद नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि किसी और को गलत बोलने के लिए अपने आप को कितना गलत कर रहे हो आप लोग। किसी के माँ बाप को गलत बोल रहे हो और मुझे खुशी मिलती है, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है कि उनका घर बन रहा है, तो मैं खुश क्यों ना हूँ? मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे वहाँ रहना नहीं है पर मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस तरीके के कमेंट करने चाहिए या नहीं। देखिए कमेंट वो करेंगे बोलेंगे भाई, क्योंकि इंसान की हम सोच नहीं बदल सकते, इंसान की हम फितरत नहीं बदल सकते, बट हाँ ये तो बोल ही सकते हैं ना कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इतना तो बोलने का हक है ना हर इंसान को है। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इतना गंदा गंदा कमेंट, इतने गंदी गंदी बातें लोगों की सुनी है और सुन रही हूँ अभी भी। मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क मुझे सिर्फ तब पड़ता है जब बात माँ बाप की आती है, बस तब पड़ता है मुझे फ़र्क, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। फिर ये आता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बस अपने माँ बाप ही नज़र आते, तुझे सास ससुर नज़र नहीं आते। सास ससुर के लिए जो मेरे बड़े हैं उनके लिए मैं क्या करती हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। जब वो सब चीज़ें मैं दिखा के करूँगी बता के करूँगी ना, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि किसी के लिए अगर कुछ कर रही है तो वो दिखा रही है। देखिए मेरी आँख ना लाल हो रही है कि दिखा के कर रही है ये सारी चीज़ें, उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पर आगे आगे तो आप लोगों को सब कुछ दिखना ही है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, वो तो सारी चीज़ें कैसे छिपेंगी, सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सब कुछ बहुत जल्दी ही, मैंने पहले भी बोला था सब कुछ बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, सब कुछ बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आने वाला, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं धीरे धीरे।
तो फिलहाल तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत स्पेशल सा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोशिश कीजिए कि दूसरों को अपने शब्दों से ठेस ना पहुँचाए। किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलिए। मैं सिर्फ इतना, और देखिए ये हमारी पाकू है। बाय बाय। और इस वीडियो का ना एंड मैं यहीं से कर रही हूँ, घर से ही। और बीच का जो वीडियो है वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे एंड करना था, आप लोगों से बात करनी थी, तो इसीलिए मैंने कर दिया। मुझे नींद आ रही है, अभी मैं सोऊंगी थोड़ी सी देर। फिलहाल के लिए बाय बाय।